नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल से भरपूर टेस्टी नाश्ता, जो कि सूजी और वेजिटेबल से बनता है। और खाने के लिए तो आप पूछिए मत, घर पे सभी लोग पसंद करेंगे, तो आप इसे ज़रूर बना के देखें। तो फिर चले दोस्तों, बिना देर किए इसे कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेजिटेबल को थोड़ा फ्राई करके लेंगे। तो उसके लिए मैंने लगभग 2 चम्मच तेल को पैन में डाला है, और तेल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 चम्मच राई डालेंगे। अभी डालते हैं थोड़ा चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। इसके बाद हम इसमें थोड़ा चम्मच चलाएंगे, और चम्मच चलाने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डालेंगे, और इसे भी थोड़ा भून कर लेंगे। यानी कि हमें प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करके लेना है। और बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़े हरे मटर और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा गाजर। अभी स्वादानुसार नमक डाल के हमें क्या करना है, इन सभी को थोड़ा भून कर लेना है। यानी कि हमने इसमें जो भी चीज़ें डाली है उन्हें आधे कच्चे फ्राई करके लेना है। तो दोस्तों, आप इसमें आपके कोई भी मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हो। अब लास्ट में थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें चम्मच चलाएंगे। तो दोस्तों, आपने जो भी वेजिटेबल यूज किए हो उन्हें आधे कच्चे फ्राई करके ले, और फ्राई करने के बाद एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप सूजी लेंगे, और ये डाल दिया मैंने 1 छोटा चम्मच काला नमक। ये मेरे पास छाछ था तो मैं अभी 1/2 ग्लास छाछ डालता हूँ। तो आप इसके बदले इसमें 1/2 कप दही डालिए, और बाद में इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाइए। अभी डालते हैं जो हमने वेजिटेबल को फ्राई किया था उसे। अभी वेजिटेबल को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। तो हमें ये बैटर थोड़ा पतला चाहिए, तो आप ज़रूरत के अनुसार पानी या छाछ डाल के पतला सा बैटर बना ले, क्योंकि सूजी फूलने के बाद बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है इसीलिए। ये देखो, हमें इस तरह का पतला बैटर चाहिए। अभी इसे ढककर इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे, और 5 मिनट के बाद इसमें 1/2 चम्मच इनो पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हो, लेकिन आपको जो भी इसमें डालना हो उसे तब डालिए जब आपको इसका नाश्ता बनाना हो। अब चलते हैं इसके अप्पे बनाने के लिए। तो दोस्तों, कुछ लोग इसे अप्पे या अप्पम बोलते हैं, इसका नाम जो भी हो, लेकिन ये खाने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ऐसे तेल लगाने के बाद अप्पे पैन के सभी खानों को बैटर से भर देंगे। हमें इन खानों को फुल नहीं भरना है, थोड़ा कम ही भरेंगे। अभी इसे कवर करके गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। और 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ये एकदम बढ़िया फूल चुके हैं, और दिखने के लिए भी बढ़िया दिख रहे हैं। तो इस तरह इन सभी को दूसरे साइड पलट के दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे। दो मिनट के बाद हमारा वेजिटेबल अप्पे का नाश्ता बनके तैयार है। तो आप इसे बना के किसी भी मनपसंद चटनी के साथ या फिर बिना किसी चटनी के ऐसे ही खाएंगे तो भी ये आपको टेस्टी लगेंगे। तो फिर दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।